नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक लंबे समय के बाद आप लोगों से दूर रहा और इस दूरी का एहसास मुझे लगातार रहा, लेकिन मुझे लगा कि अब आप लोगों के बीच आना चाहिए और कुछ खास विषय हैं जिस पर बात करनी चाहिए। ये सारी बातें हम आपसे जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसा मसला चल रहा है जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा मामला है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 69,000 शिक्षक किसी मामले में काफी लंबे समय से एक के बाद एक समस्या को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर भी जाकर क्या हल निकलता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये भी बात आपको बताएंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जो कि मैंने आपसे कहा था वही खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन किए जाने की मांग को लेकर 7 दिनों से धरने पर बैठे आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आगामी 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान कर दिया है। आइए इस पर देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के स्पष्ट फैसले के अनुपालन में नई सूची बनाकर काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हीला हवाली से आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया है। इको गार्डन में धरने पर बैठे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों को जो शक था वो अब सही साबित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए साजिश रच रहे हैं। इसी क्रम में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई हैं। अधिकारियों की हीला हवाली से मामला फिर लंबे समय के लिए फंसा हुआ नजर आ रहा है। आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि अभी भी सरकार के पास विकल्प है, सरकार चाहे तो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तुरंत कार्रवाई कर पिछड़े एवं दलित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर सकती है। आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि 2 सितंबर तक यदि नई सूची बनाकर चयनित आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया तो आगामी 2 सितंबर को बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी अपने अपने समाज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपनी नियुक्ति की काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए जाने की मांग करेंगे। अभ्यर्थियों के इस बड़े घेराव प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने की चर्चाएं भी तेज हैं। जारी करो। काउंसलिंग शेड्यूल जारी करो। हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है। हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है। योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है। योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है। जय भीम। देखिए, हमारा माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, वो लगभग 15 दिन का समय होने वाला है, लेकिन विभाग अभी भी हमारे लिए कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम मजबूर हैं संघर्ष करने को। समय समय पर हम लोगों ने बताया है कि हम शिक्षक हैं और हमने बहुत सहयोग किया है उत्तर प्रदेश प्रशासन का। इस बात का गवाह पूरा प्रशासन रहा है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का खास तौर पर, कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है हमारी, चाहे वो उद्यम राम प्रतिष्ठा रही हो
चाहे राष्ट्रपति आगमन लखनऊ में रहा हो, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा रही हो, हमने अपने कदम पीछे किए हैं और गवाह रहा है पूरा उत्तर प्रदेश इस बात का कि हम लोगों ने कभी कोई उत्पात नहीं किया, क्योंकि अपनी मर्यादा हम लोग जानते हैं। लेकिन अब नहीं, अब माननीय हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद 2 तारीख को हमारा महाआंदोलन होगा और हो सकता है ये आखिरी महाआंदोलन हुआ हमारा। और इस बार हम अपनी पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जो कि बहुत हो गया सम्मान। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हम शिक्षक हैं और हमारे गोद में प्रणय और निर्माण दोनों पड़ता है। हमने बहुत गांधी जी को हमने माना है और गांधी जी के पद पर हमने धरना भी किया है 4 साल से। लेकिन हम जानते हैं भगत सिंह को भी है, और हमारा जब प्रलय आएगा, जब हमारी आंधी आएगी, जब बहुजनों की और युवाओं की दलितों की जब आवाज़ लखनऊ में गूंजेगी, तो कालिदास मार्ग की जो दीवारें हैं उसको रोक नहीं पाएंगे, वो दीवारों को चीर कर वहाँ अंदर तक जाएगा और न्याय का रास्ता प्रशस्त करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से पूर्व हिंदू या वाहिनी सदस्य। मैं आपसे माननीय योगी जी विनती करने कि हमारे आंदोलन के जो है 4 साल हो गए संघर्ष करते, लेकिन हम लोगों कभी उग्र नहीं हुए। हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों, पिछड़े दलित जितना देख रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हाईकोर्ट का न्यायालय का आदेश आया है, लेकिन विभाग में बैठा हुआ भ्रष्ट और मनुवादी अधिकारी अभी भी एक स्टेप नहीं बढ़ाए हैं। कल का हम लोग का इंतजार है। हम तमाम अपने संगठनों से OBC, पिछड़ा, दलित और ये संविधान की लड़ाई है, सभी लोगों से आह्वान करते हैं, कृपया करके इस हमारी आरक्षण की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 हफ्ता के अंदर में, यानी 2 तारीख के अंदर में अगर हमको विद्यालय में नहीं भेजने का प्रस्ताव पारित करते हैं, तो लखनऊ के सड़कों में ऐसा टांड होगा जो इतिहास में कभी नहीं पिछड़े दलितों को हुआ है। अब हमें समाज की जगाने की जरूरत है। हमारा समाज लगभग 50% जग गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो 5% भी हमारा समाज सड़कों पर आ गया ना, तो दोबारा विभाग में बैठा हुआ अधिकारी दोबारा आपको मठ में बैठा देगा बहुत अदब के साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों ने जो है जमीन पर संघर्ष करके जो है आपको माननीय सांसद से माननीय मुख्यमंत्री बनाया। हमें बड़ी खुशी हुई थी, आप चेहरे से पहचानते भी हैं, कई बार मैं मिला भी हूँ। आप बार बार कहते थे जो है मामला जो है कोर्ट न्यायालय के अधीन है, ये कौन सा न्याय है जहाँ आपका जो है न्यायालय में जो है न्यायालय से आने के बावजूद भी ये कौन सा अधिकारी है जो आपकी बातें नहीं सुनता है। माननीय जी, आप ही के प्रवक्ता TV चैनल तमाम राष्ट्रीय चैनलों में आके कहते हैं कि जो है पूर्व सरकारों द्वारा ये प्रायोजित और पूर्व सरकारों द्वारा नियोजित उसमें अधिकारी बैठे हैं। ये कैसा न्याय व्यवस्था है जहां दुनिया में एक तरफ आपका डंका बोया जाता है कि दुनिया के सबसे सशक्त और ताकतवर और खास करके बुलडोजर आपका फेमस है, कब बुलडोजर चला रहे हैं? नहीं तो ये ही अधिकारी आपको, हम लोगों तो विद्यालय से वंचित दूर रखा, आपको दोबारा मेट में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। और सभी लोग साथियों, बढ़ चढ़ के जितने हमारे आंदोलनकर्ती साथी हैं और हमारे समाज के पिछड़े दलित, जितने शोषित वंचित वर्ग, इस आंदोलन में 2 सितंबर को बढ़ चढ़ के चला। धन्यवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार 7 दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आरक्षित वर्ग के शिक्षक का भर्ती काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए जाने की मांग है, नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की मांग है। एक लंबा संघर्ष इन लोग का इस शिक्षक भर्ती में रहा है, अब इनका आक्रोश सड़कों पर उतरता दिखाई दे रहा है। 7 दिनों के बाद इन लोगों ने अब निर्णय लिया है कि आगामी 2 सितंबर को ये लोग मुख्यमंत्री आवास का अथवा कार्यालय का घेराव भी कर सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में दलित पिछड़े समाज के लोग रहेंगे और विभिन्न इनके समाज के संगठनों से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। चंद्रशेखर जी की भी आने की शुभकाहट व्यक्त की जा रही है। अमरेन जी, क्या कहना चाहेंगे अपने इस धरना प्रदर्शन को लेकर? देखिए, ये धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जब हमारे हक अधिकार पर डाका डाला जा रहा है और हम लोग लगातार अपनी आवाज़ लेकर अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लगातार ज्ञापन के माध्यम से बता रहे हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारी संघर्ष की पराकाष्ठा हो गई है। अब तो हाईकोर्ट ने मान लिया, योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश भी दे दिया कि निर्देश और आदेश का पालन होता नहीं दिख रहा है। और हम लोग जानते हैं कि हम पिछड़े दलित परिवार से, हमारी हैसियत नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में बड़े एडवोकेट पैदा कर लें, एडवोकेट वहाँ खड़ा कर लें। तो सरकार से हम लोग निवेदन करने जाएंगे और ये निवेदन अब की बार पूरा समाज करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 4 लोग 10 लोग जो 200 लोग जाते थे वो नहीं जाएंगे, अब की बार पूरा पिछड़ा दलित समाज आएगा, वो जाएगा, बताएगा, इंतज़ार करेगा कि ये कब तक आप न्याय कर रहे हो, पूछेगा कि इस तरीके से अब हिला वाली नहीं चलेगी। 2 सितंबर को पूरे प्रदेश के तमाम संगठन, OBC मोर्चा, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, मंडल आर्मी, सरदार सेना,
सभी अभी देखिएगा आपका सबका समर्थन पत्र जारी होगा और हजारों लाखों की संख्या में हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे। सरकार के पास पर्याप्त अभी समय है, अभी डेट आप लोगों को बताया कि आज 26 तारीख है और पर्याप्त समय है 2 तारीख। केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कैबिनेट का फैसला आने दो और जल्द ही कैबिनेट इस पर निर्णय ले रही है। तो हम लोगों ने भी स्पष्ट कह दिया कि 2 तारीख तक के लिए आपके पास समय है, 1 तारीख तक के लिए, 2 तारीख के बाद हम लोग तत्काल प्रभाव से ये कार्यक्रम करवाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और ये घेराव अब की बार ऐसा होगा कोई प्रशासन नहीं रोक पाएगा। हमारी वोट से माननीय मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं और वो सभी वोटर आएंगे, 85% वोटर हैं वो आएंगे, मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि जो हमारे पिछड़े दलित परिवार के बच्चे हैं या सड़कों पे क्यों हैं। आप मान लिए हो, दिखावटी मान लिए हो, केशव जी मान लिए हैं, दिखावटी मान लिए हैं, कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है तो ये न्याय क्यों नहीं हो रहा है? न्याय तो हो जाना चाहिए था ना। और बताइए पिछड़े दलितों के लिए 100 दिन, 50 दिन, 3 महीने, 10 दिन, 20 दिन ऐसे होता है? जो सारा 4 साल से ठगा गया है, 4 साल से सड़कों पे लाठी खाया है, उसको 4 घंटे नहीं आपको झेलाना चाहिए? त्वरित न्याय क्या होता है? या आपको बुलडोजर इधर छेड़खानी हुई नहीं, इधर किसी मुसलमान का नाम FIR में आया नहीं, बुलडोजर चल गया, अच्छी बात है। यहां भी वही काम होना चाहिए। जो अधिकारी गलत तरीके से हम लोगों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर किए हैं, उन सभी अधिकारियों पर बुलडोज होना चाहिए और हम लोगों को हमारे विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में लड़ लड़ के हम लोग मजबूत हो चुके। कहते ना कि मतलब एक लड़ते लड़ते दबते 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 हम ठोस हो गए हैं। न पुलिस की लाठी से डर है हमें, न सरकार की बुलडोजर से डर है। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और उमेश भाई आप गवा रहे हैं कि ये इको गार्डन पूरा परिसर हम लोग भरे थे, इस सरकार को झुकाए थे। और सही किसी ने कहा है, झुकते सब हैं, बस झुकाने वाला चाहिए, और हम लोग झुकाएंगे योगी जी को। निश्चित रूप से समय समय पर आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है, अपनी पीड़ा अपने दर्द को बयां किया है, किंतु एक चीज देखा, एक बात देखी जा रही थी, जब जब आपके इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने चंद्रशेखर जी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं तो उस समय सरकार में प्रशासन के लोगों में खलबली सी मच गई थी, तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? क्या वो इस महा प्रदर्शन में आपके शामिल होंगे? अरे वो तो हमारे भाई हैं, वो सांसद बाद में हैं, पहले वो संघर्षशील आदमी हैं। अब आपने तो देखा है कि संघर्ष का शुरुआत हम लोग और हमारे चंद्रशेखर भाई साथ में किए हैं। इको गार्डन में यही कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं थी, पतली सी पन्नी पे हम लोग कितने दिनों पे लेटे हैं, कितने दिनों तक यहाँ साथ में रहे हैं। और देखिएगा वो हमारा भाई जिस दिन भी आएगा पूरे जोश और जुनून के साथ हमारे लोग टूट पड़ेंगे। और आप देखिएगा 2 तारीख के इस आंदोलन का वो सपोर्ट करेंगे और पूरे प्रदेश के संगठन के साथ वो निकलेंगे, एक नज़ीर साबित होगा। तो निश्चित रूप से अब यह माना जा रहा है कि इनका 7 दिन का जो धरना प्रदर्शन इस दौर का है हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद, अब इनका सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है और आगामी 2 सितंबर को इन लोगों का जो महाप्रदर्शन होने वाला है, मुख्यमंत्री आवास अथवा कार्यालय का जो घेराव का कार्यक्रम है, ये लोग उस माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अब इस हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं इसके खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, तो उसी बात को लेकर ये लोग वहाँ मिलना चाहते हैं, काउंसिलिंग शेड्यूल जारी कराने की मांग करेंगे। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न है। जैसे कि अभ्यर्थी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार तो चाहती है कि लोगों को नौकरी दे दी जाए, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां की हैं, अपनी गर्दन को बचाने के लिए वो
इसको कैंसिल करना और हीला हवाली करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अब ये देखने वाला है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शेड्यूल की जाती है या फिर ये ऐसे ही धरना देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।